बिस्मिल्लाह रहमान जी। क्वेश्चन नंबर 3 है बैंक रिकंसिलिएशन का। एक कैश बुक गिवन है और एक बैंक स्टेटमेंट गिवन है। रूल ये कहता है कि कैश बुक की जो डेबिट साइड है इसे हमें कंपेयर करना होता है बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड। ये रूल नंबर 1 है, आपके रजिस्टर्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है। और एक रूल नंबर 2 है, और रूल नंबर 2 ये कहता है कि कैश बुक के जो क्रेडिट साइड है उसे आपने बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड से कंपेयर करना है, और फिर एडजस्टेड कैश बुक बनानी है। एडजस्टेड कैश बुक बनने जा रही है ये। एडजस्टेड कैश बुक के अंदर जो बैलेंस आएगा वो आएगा बिगनिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक गिवन इन द क्वेश्चन। तो जो कैश बुक में जो जो क्वेश्चन में कैश बुक गिवन है उसका जो कैरी डाउन बैलेंस है दैट इज 6874। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 6874 डेबिट साइड पे, कैरी डाउन क्रेडिट साइड पर है, बैलेंस ड्रॉ डाउन आ गया 31 दिसंबर। अब उसके बाद आपने कैश बुक की डेबिट को देखा, 6838 बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस में 6838 लिखा हुआ है। अगर ये बैलेंस में बराबर ना होता, दोनों सेम ना होते, तो भी इग्नोर कर देते हम। और इग्नोर क्यों कर देते, उसकी वजह आगे के क्वेश्चन जब सॉल्व होंगे तो आपको समझ में आएगा, जब क्वेश्चन एक्चुअली आएगा तब। ठीक है जी, बात से कर दिया। उसके बाद फिर कैश बुक की डेबिट पे 202 है और बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट पे 202 है। दोनों आइटम्स जब जगहों पे मौजूद है अपनी तो इग्नोर हो जाएंगे। फिर आ जाएगी कैश बुक की डेबिट साइड पे 88 और वो बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पर भी है। इसका मतलब है ये आइटम इग्नोर हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड पर है। कैश बुक में भी रिकॉर्ड हो गया और बैंक स्टेटमेंट में भी रिकॉर्ड हो गया। हमें वो आइटम चाहिए होते हैं जो एक जगह हो रिकॉर्ड में और एक जगह ना हो, वो रिकनसाइलिंग आइटम होता है। फिर हमें नज़र आया 638 कैश बुक की डेबिट पे और वो हमें नहीं नज़र आया बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट पे। वो आइटम जो कैश बुक की डेबिट पर हो लेकिन बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट पर ना हो उसे हम अनक्लियर चेक बोलते हैं या अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये हमने डेटा निकाल लिया अनक्रेडिटेड डिपॉजिट, और ये डेटा हमारे पास अनक्रेडिटेड डिपॉजिट आ गया 638 और 492। 638 आ गया और 492 आ गया। तो ये दोनों मिलकर कितने आ गए, ये स्टेप नंबर 1 का आइटम नहीं है। स्टेप नंबर 1 में ये कंसिडर नहीं होंगे, ये स्टेप नंबर 2 में कंसिडर होंगे। 1130 आ गया। उसके बाद फिर हमारे पास आ गया कैश बुक की डेबिट साइड फारिग हो गई, बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे हमें नज़र आ रहा है 186 जो बैंक ट्रांसफ़र है, जो जो क्रेडिट ट्रांसफ़र है, और क्रेडिट ट्रांसफ़र की नोटिस से और क्रेडिट ट्रांसफ़र डेबिट साइड पे आते हैं कि आपके बैंक में किसी ने पैसे जमा करा दिए और आपको पता भी ना चला, और जब पता चलेगा तो आप एंट्री पास करेंगे बैंक डेबिट और टी मॉरिस यानी डायरेक्ट क्रेडिट क्रेडिट। उसके बाद आप कैश बुक की क्रेडिट साइड में बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड से कंपेयर करेंगे। 924 924 दोनों जगह मौजूद है, 42 42 दोनों जगह मौजूद है। 218 टी एरेंट के नाम से है, कैश बुक में मौजूद है लेकिन बैंक स्टेटमेंट में मौजूद नहीं है। तो अगर कोई आइटम कैश बुक की क्रेडिट पर हो लेकिन बैंक स्टेटमेंट की डेबिट पर ना हो उसे अन प्रेजेंटेड चेक होते हैं। अनप्रेजेंटेड चेक जो होते हैं वो कितने हैं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में अनप्रेजेंटेड चेक हैं 480। ये भी स्टेप नंबर 2। उसके बाद कैश बुक की क्रेडिट साइड हमने फारिग कर दी, बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड हमने देखी, तो उसमें हमें 94 से बैंक चार्जेस आया। बैंक चार्जेस की एंट्री पास होती है, बैंक चार्जेस डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, ये एडजस्टेड कैश बुक का बैंक कॉलम है। और ये हमारे पास आ गया 94। और फिर हमारे पास एक बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, और ये बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा यहाँ पर मंथली डेट को 31 दिसंबर। ठीक है, 6874 6874 प्लस 186 7060 7060, और उसमें से हम माइनस कर देंगे 94। तो ये हमने जब माइनस किया 94,
मेरे पास बैलेंस कैश बुक आ गया 6966। ये जो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का बैलेंस होता है, ये मैंने पहले ही बताया, बहुत आपको बताऊंगा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनने जा रही है अब, और उसमें हमने लिखा बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक हमारे पास आ गई 6966। ऐड कर देंगे इसमें अनप्रेजेंटेड चेक्स, क्योंकि हमने कैश बुक बनाते हुए इसको डील किया था, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में ये नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि बैंक में नज़र नहीं आ रही, और हमें कैश बुक के बैलेंस से बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस तक जा रहे हैं, तो हमें हर वो काम करना पड़ेगा बैंक ने किया है। बैंक हमारे अकाउंट में पैसे माइनस नहीं किए, हमने कर दिए थे, तो हम इस रिकन्सिलेशन में ऐड करते हुए ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास अगर मिसिंग आइटम्स पता चल जाएँ तो क्या हमारा बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक का बैलेंस मैच कर जाता है। अगर कर जाता है तो दैट इज़ एक्चुअली द पर्पज ऑफ रिकन्सिलिएशन। लेस अनक्लेयर, लोग याद कर लेते हैं यूज कैड अनप्रेजेंटेड लेस अनक्लेयर कैश बुक से आते हुए, और बैंक स्टेटमेंट से आते हुए उल्टा हो जाता है, ठीक है ना, ये आपको बताइए। तो ये आपके पास आ जाएगा 638, ब्रैकेट में शो करके दिखाना होगा अगर मल्टीपल चेक होंगे तो, और आपके पास आ जाएगा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, एज पर बैंक स्टेटमेंट 6966 प्लस कर लेंगे 418 माइनस करेंगे 1130 इज इक्वल टू 6254। अब हमें बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस देख रहा है, हमें 6254 बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस नज़र आ रहा है जो क्वेश्चन में गिवन है, इसका मतलब है हमने ये क्वेश्चन सही कर, ठीक है। तो ये पेपर में क्वेश्चन चेकेबल होगा, ठीक है, ये पेज नंबर 3 था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 3 था, सही। आगे चलो, मैं आपको एक बार साइड लाइन पे फिर बता देता हूँ, वैसे आपको पता है ये बात और लोग याद भी कर लेते हैं, बैंक चार्जेस जो हैं वो कैश बुक की क्रेडिट साइड पे नहीं होते, लेकिन बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे होते हैं, और जो डायरेक्ट क्रेडिट्स होते हैं, डायरेक्ट क्रेडिट्स होते हैं ये यूजली नाम से ही है, मैंने इसलिए रूल अप्लाई नहीं किया हमने, लेकिन ये कैश बुक की डेबिट पे नहीं होते, लेकिन बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट पर होते हैं, ठीक है। इन रूल्स को अप्लाई करते हुए हमने बैंक चार्जेस और डायरेक्ट क्रेडिट आइडेंटिफाई किए हैं, अदरवाइज हमें नाम से भी गिवन है तो हमें पहचानना आसान था।